हेलो जैन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर 7 पैटर्न। हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं चैप्टर 7, और आज हमारा टॉपिक है पैटर्न इन नंबर्स। पैटर्न इन नंबर्स, पैटर्न इन नंबर्स। ओके, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर्स पैटर्न में। लेट्स ट्राई फॉर, कल हमने कुछ बताया था पैटर्न इन नंबर में, आज हम लोग लेट्स ट्राई 4 पर सॉल्व करेंगे। लेट्स ट्राई 4, लेट्स ट्राई 4। ओके, कंप्लीट द नंबर पैटर्न, कंप्लीट द नंबर पैटर्न, कंप्लीट द नंबर पैटर्न। हमें नंबर पैटर्न कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर ए दिया है 1 2 3, 1 2 3, ये हमारा पैटर्न चल रहा है, ठीक है बेटा। और यहाँ बॉक्स दिए हैं, ओके। थ्री बॉक्स दिया है, फिर थ्री बॉक्स दिए हैं, 1 2 3, फिर यहाँ थ्री बॉक्स दिया है, 1 2 3। ओके, अब आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 चल रहा है पैटर्न, क्रमशः चल रहा है 1 2 3, यही पैटर्न चल रहा है 1 2 3 1 2 3, कोई चेंजिंग नहीं है। तो हमारा पैटर्न क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सेम पैटर्न होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, 49 है एंड 59 है, दूसरा क्या है, 49 59, ठीक है। यहां 49 है तो 10 इंक्रीज होकर 59 हो जा रहा है, फिर यहाँ 49 है, 10 इंक्रीज होकर 59 हो जा रहा है। नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या होगा, ये 2 है, ठीक है, सेम पैटर्न होगा बेटा, सेम पैटर्न होगा, इसमें 49 59 49 59 49 59, ये हमारा पैटर्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 5 55, और नेक्स्ट क्या दिया है, 5 और 55, ये 5 के बाद 50 इंक्रीज हो रहा है, फिर 5 के बाद 50 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। हम ये देखेंगे कि यहाँ जो पहला पैटर्न है उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम पैटर्न चल रहा है, तो आगे भी हमारा पैटर्न क्या होगा, सेम ही चलेगा, क्योंकि पैटर्न हमेशा सेम होता है, एक जैसा ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा यहाँ, 55 यहाँ, 5 यहाँ, 55 यहाँ, 5 यहाँ, 55। समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि जो यहाँ चल रहा है वो क्रमशः इधर ही चलेगा। जो फर्स्ट पैटर्न है, फिर सेकंड पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न भी वही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द पार्ट होल नंबर पैटर्न. कंप्लीट द पार्ट होल नंबर पैटर्न. ओके. अब आप क्वेश्चन नंबर ए में देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर टू है. ए में दिया है 10. ये होल नंबर है. क्या है? होल नंबर. इसको क्या कह सकते हैं? होल नंबर. ओके. अब इसको पार्ट में करना है. ऑलरेडी एक दिया है 4. सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है? हम यहां सेकेंड पार्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10 - 4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा. 6 हो जाएगा. ठीक है. यहां या 4 के प्लस कर देंगे, 6 को 10 आ जाएगा. ओके. ये होल पार्ट है, ये पार्ट है. ये क्या है? पार्ट. ये क्या है? पार्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, 10 है, होल नंबर है. इसको पार्ट करना है. एक सर्कल में 2 दिया है ऑलरेडी, इसमें क्या होगा? 1 होगा. ओके, समझ में आया? इसको पार्ट करना है. इसको आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है. अब ब्लॉक पैटर्न चलते हैं. ब्लॉक पैटर्न क्या होता है उसको देखते हैं. ब्लॉक पैटर्न देखेंगे. मान लीजिए ब्लॉक पैटर्न कैसे बनेगा? एक लेडी फिंगर ले लीजिए. ठीक है, आप एक लेडी फिंगर ले लीजिए. ये लेडी फिंगर है. क्या है? लेडी फिंगर है. लेडी फिंगर में होता है भिंडी ले लिए. आप देखे होंगे कि भिंडी को जब काटते हैं हम तो उसमें छिद्र होता है ऐसे. ठीक है, ऐसे जब काटेंगे उसको तो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे छिद्र उसमें मिलेगा भिंडी को काटेंगे तो. ठीक है, यहां भिंडी को काट दिए. ठीक है, यहां हाफ कर दिए, भिंडी को हाफ कर दिए. ठीक है, और 2 कलर ले लिए, एक इसको रख लेंगे. 2 कलर ले लेंगे और उस कलर में भिंडी को ऐसे डुबोएंगे, हल्का सा भिगोएंगे. ऊपरी पर्सन को केवल ये ऊपर वाला जहां से कटा हुआ है यहां से भिंडी को उस कलर में भिगो देंगे थोड़ा सा. और यहां पे ऐसे करेंगे, लगाएंगे. ठीक है, तो इस तरह का साइज आपको दिखाई देगा. ठीक है, इस तरह का साइज आपको होल दिखाई देगा. ये इस तरह का कलर साइज आपको भिंडी का दिखाई देगा. ठीक है, तो आप एक ये कलर ले लिए, रेड कलर ले लिए और ये ग्रीन ले लिए. तो ये आपका क्या हुआ? ब्लॉक पैटर्न होगा. क्या हुआ? ब्लॉक. ये ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, ऐसे चलेगा तो आपका पैटर्न बन जाएगा ग्रीन रेड का.
ठीक है, इसे हम लॉग पैटर्न कहते हैं। अब क्वेश्चन दिया है, इसे बनाया भी है और पूछा है विल यू गेट ए पैटर्न, क्या आपको पैटर्न पा रहे हैं, तो इसमें यस होगा, उसको यस कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है आपका लेट्स ट्राई फाइव, कह रहा है लेट्स ट्राई फाइव में डू द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। लेट्स ट्राई फाइव क्वेश्चन है, पैटर्न बनाने का टेक्निक है, लेट्स ट्राई फाइव दिया है, इसमें क्या करना है आपको, कह रहा है पुट इंक और कलर ऑन योर थंब, आप अपने थंब में मान लीजिए कलर है, ये कलर है रेड कलर है, ठीक है, और इसमें हम अपना थंब लगा दिए, थंब लगा दिए, ठीक है, थंब लगा दिए, खूब अच्छे से लगा दिए, ठीक है। अब थंब को यहाँ हम प्रेस करेंगे पेज पे, फिर यहाँ प्रेस करेंगे पेज पे, दो कलर में, तो क्या बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू दिया है, इसमें करना क्या है आपको, क्वेश्चन टू पेज नंबर 91 पे है, क्वेश्चन पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन है टू, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन देयर बॉडीज, कह रहा है कुछ एनिमल्स हैं बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न, बहुत सुंदर पैटर्न है उनके शरीर पे, ठीक है, कह रहा मैच द एनिमल विद देयर पैटर्न, वन हैज बीन डन फॉर मी, एक आपके लिए एग्जाम्पल के लिए किया गया, नीचे फिगर भी दिया है ए बी सी, यहां मान लीजिए चार्ट में एनिमल्स है, यहाँ एनिमल्स है, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, यहाँ कुछ फिगर भी बनाया गया है, यहाँ फिगर बना है, हम फिगर तो बना नहीं सकते, कलर नहीं है मेरे पास, ठीक है, कलर चौक नहीं है, ठीक है, तो आप इसको समझिए, केवल फिगर दिया गया है और हम बता दें करना क्या है, जैसे जेब्रा दिया है तो जेब्रा का कलर यहाँ दिया है, जेब्रा का पैटर्न यहाँ दिया है, इस तरह पैटर्न दिया है जेब्रा का, ठीक है, तो यहाँ जेब्रा बना हुआ है, जेब्रा है यहाँ पे, फिगर है जेब्रा का, तो ये कौन सा मैच कर रहा है, ये को बता रहा है, ये जो है कलर जो है, यानी जेब्रा का जो पैटर्न है यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है, जेब्रा का जो पैटर्न है यहाँ मैच कर रहा है, तो आप ये ऑप्शन को यहाँ राइट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन को जेब्रा में राइट कर देंगे। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन आपको दिया है क्रोकोडाइल दिया है, यहाँ क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल है, तो यहाँ बी ऑप्शन क्रोकोडाइल में आप, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन यहाँ टाइगर है, टाइगर बैठा हुआ है, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ पीकॉक है, ये डी ऑप्शन है आपका मैच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ओके, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पर उसके बाद इसके बाद देखेंगे हम लोग, कुछ एक्सरसाइज होगा अगर उसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।